नमस्कार, ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 58th एपिसोड में हमारे सभी व्यूअर्स और गेस्ट्स का स्वागत है। मैं हूँ एकता रमन। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मेट्रो हॉस्पिटल, विच इज़ अ नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बट अ बिग ब्रांड इन इटसेल्फ। हैज़ बीन डूइंग ग्रेट लेवल ऑफ सर्जरीज एंड एडवांस्ड सर्जरीज इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी पर्टिकुलरली, बट देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स। इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और हम आज बात करेंगे मेट्रो के मेडिकल डायरेक्टर से, डॉक्टर नीरज जैन से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून एकता, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के सर बहुत सारे क्वेश्चंस कंसर्न्स रहते हैं। जनरल पब्लिक इज आल्सो नाउ क्वाइट अनश्योर ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर सीइंग अ वेरी शेकी फर्स्ट वेव, एन एक्सट्रीमली डैमेजिंग सेकेंड वेव, यस, एंड थर्ड वेव के बारे में अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ दो महीने के बाद वो तूफान एकदम शांत हो गया। तो क्या हम इसको एंड ऑफ पैंडमिक मान सकते हैं, और इज इट समथिंग ब्रूइंग? एकता, सभी लोगों ने फर्स्ट वेव को एक्सपीरियंस किया। जैसा मैंने शायद पहले भी कभी बताया कि फर्स्ट वेव में डैमेज उतना नहीं था जितना हम लोगों के बीच में डर था जी। थोड़ा सा हमें अवेयरनेस नहीं थी हाउ टू हैंडल दिस वायरस जी। बट फर्स्ट वेव से हमने काफ़ी कुछ सीखा, किस तरह से कोविड के पेशेंट्स बिहेव करते हैं जी। उस तरह से हमने अपने हॉस्पिटल को भी ट्यून्ड किया, लोगों को इस तरह से ट्रेन किया कि अगर सेकेंड वेव आती है तो किस तरह से हैंडल किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड वेव थी वो विदाउट एनी वार्निंग साइंस, या हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं रह पाए जितना सिवियरिटी इस सेकेंड वेव की थी। विद इन फ्यू डेज ऐसा लगा जैसे कि सभी लोगों को कोरोना होने वाला है, और हमारे हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लग गई जी, जी। लोगों को बेड्स के लिए परेशानी हो रही थी, ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के लिए परेशानी हो रही थी। तो एक चीज़ ये थी कि हमें इस क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए। बट फॉर्चुनेटली हम सभी डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि जब भी क्राइसिस होती है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उस वक्त हमें किस तरह से एक्ट करना चाहिए। मुझे याद है हमारे जो बुक्स थी उसमें भी हमें ये सिखाया गया था कि ट्राइज एक वर्ड होता है जिसमें आपको कहाँ अटेंशन देना है और कहाँ कम अटेंशन देना है, ये सिखाया जाता था। अच्छा। तो मुझे ऐसे ही याद आता है कभी कभी उस बुक्स का कि जो लोग, अगर आपके साथ सामने काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और जो लोग सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं हेल्प के लिए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, बिकॉज दे आर एबल टू शाउट, दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर वॉइस। तो हमें उसकी तरफ नहीं देखना है, हमें उन लोगों की तरफ देखना है जो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनको जितना प्रॉब्लम है कि वो दे कैन नॉट स्पीक ऑल्सो। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में थी। सेकंड थिंग जो एकदम से हमारे दिमाग में ये आई कि चूंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हमने एक साथ देखे, तो हम किसको फोकस करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि जो लोग प्रोडक्टिव एज में हैं, जो लोग यंग हैं, जिनको फैमिली की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिनकी जो सोर्स ऑफ इनकम शायद उन्हीं को ही रहेंगे, हमें उन लोगों को बचाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस जी जाहिर है। तो जब लिस्ट सुबह सुबह मेरे पास आती थी, जिसमें 70-80 पेशेंट्स की लिस्ट थी, ये लोग बेड बेड्स का डिमांड कर रहे हैं, और हमारे पास 8-10 बेड हुआ करते थे, तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम कि हमें किसको अंदर लेना है और किसको हमें रिफ्यूज करना है या ना कहना है। तो एक ये बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज था जी। सेकंड, फॉर वी वर फॉर्चुनेट कि हमें ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम उतनी नहीं आई। आप हरियाणा गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स मान लीजिए, लोकल हमारे किशनपाल जी या और भी लोग जो लीडर्स हैं उनकी एफर्ट्स मान लीजिए, कि फरीदाबाद शहर के अंदर जो क्राइसिस दिल्ली ने झेली ऑक्सीजन वाली, वो हमने नहीं झेली। एक दो दिन जरूर हमें थोड़ा सा लगा कि शायद हम परेशान होंगे, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट से वो प्रॉब्लम नहीं आई। अब जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है, थर्ड वेव का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। कई सारे प्रिडिक्शन आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में या न्यूज चैनल्स पे आते हैं कि 15 अगस्त के बाद ऐसा होगा। मेरा मानना ये है कि शायद थर्ड वेव उतनी डेंजरस नहीं होगी जितनी हमारी सेकेंड वेव थी। उसके कई कारण हैं। एक तो
हम लोग वैक्सीनेटेड काफी हो चुके हैं जी। दूसरा मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोगों को सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक कोरोना हो चुका है जी। तो कम्युनिटी जो हर्ड इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं वो भी इस बार काम करेगी। वैक्सीन भी काफी लोगों को हो चुका है, प्रशासन भी संभल चुका है, हॉस्पिटल्स में तैयारियां पहले से ज्यादा है जी। तो मुझे लगता है कि हम उसी उस तरह से उतने बैडली अफेक्ट नहीं होंगे इस बार जितना सेकंड वेव में हो। राइट, तो एक ये चीज चेंज इस बार होने वाला है। राइट, तो सर आपने कहा कि थर्ड वेव होपफुली इतनी डेंजरस नहीं होगी, तो डेंजर के दो एस्पेक्ट्स मेरे ध्यान में आ रहे जिस पे मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू थ्रो सम लाइट। एक तो होता है स्प्रेडेबिलिटी के मामले में कि ये जो स्ट्रेन आ रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर आएगा और इसकी स्प्रेडेबिलिटी या कंटेजियसनेस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा डेंजर होता है उसका आफ्टर इफेक्ट मतलब फेटलिटी रेट कि अगर 10 में से अगर 10 लोग इन्फेक्टेड हैं तो उसमें से 7 या 8 जो हैं वो फेटल केसेस होंगे या कुड बी डेथ, उस मामले में इसका डेंजर लेवल क्या है? देखिए अभी तो इसको भी अभी लोग प्रेडिक्शन ही है कि कितनी इन्फेक्टिव होगी या कितनी लीथल होगा ये वायरस, बट अभी क्योंकि मैं भी आपकी तरह कई सारी चीजें देखता रहता हूँ और आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो जैसे शायद त्रिपुरा में ये वेव है, त्रिपुरा में लॉट ऑफ वायरस हैज बीन डिटेक्टेड, बट फॉर्चुनेटली वो उतने लीथल नहीं पाएगा, डेथ रेट्स उतना ज्यादा नहीं है, थैंकफुली डेथ रेट उतना ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है होपफुल कंट्रोल ये इन्फेक्टिव तो शायद जरूर रहेगा बट उतना लीथल शायद ये नहीं होगा। राइट, तो जब हम जैसे 2 महीने ना ऐसा लगता है सर जैसे कोई फिल्म थी और आई और ख़त्म होकर चली गई, तो पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी बात कि हमारे लोग हमारे व्यूअर्स ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा, और उसके कारण अचानक से लोग ऐसे निकल रहे हैं जैसे यू नो एवरीथिंग इज़ फाइन, वेयर एज पीपल से दैट द इम्पैक्ट विल रिमेन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, द वायरस कैन नॉट बी कम्प्लीटली यू नो किल्ड वॉश्ड ऑफ। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट गोइंग टू बी इन आर हैंड्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आई एम फीलिंग वेरी सॉरी टू हियर ऑल दीस न्यूज दैट लोग हिल स्टेशन पे भीड़ लगा रहे हैं या मॉल्स में इतनी भीड़ है जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इन द वीक डे आई वेंट टू सम होटल फॉर सम डिनर, आई कुड नॉट फाइंड द प्लेस, सो इतनी लॉन्ग क्यू थी वहां पे, तो आई एम शॉक्ड कि लोग इतने इंपेशियंस हो चुके हैं जी कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज को टूरिस्ट प्लेसेस पे होटल्स में या मॉल्स में जाके अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इतना करने की जरूरत नहीं है जी। वी हैव लर्न कि ऑनलाइन हम कैसे अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और आप देखें कि छोटे छोटे लोग भी, ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग्स एंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी या जो भी जरूरतें हैं वो अपनी ऑनलाइन पूरी करना सीख रहे हैं जी। तो हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि हम अपना सारा काम ऑनलाइन के बिल्कुल चलाएं, बैंक जाने की जरूरत नहीं, सारा काम ऑनलाइन होता है जी। आपको शॉपिंग की बहुत जरूरत नहीं है, सारी शॉपिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, बट समहाउ हमारे नेचर में है कि हम जब तक शॉप पे नहीं जाते तो हमारी जो अंदर की जो डिजायर है वो पूरी नहीं होती, तो एक हमारे अंदर ही वीकनेस है। हम सोशल ज्यादा हैं, हम इन और कंट्रीज की अपेक्षा में देखा जाए तो हम काफी सोशल हैं जी, और हमें अच्छा लगता है कि हम मॉल्स में जाएं या होटलिंग करें या पार्क पे जाएं व्हाटएवर। तो फिर भी मैं कहूंगा अपने व्यूअर्स से, आपके व्यूअर्स से, कि इस तरह का बिहेवियर इज नॉट गुड, और अगर थर्ड वेव आनी है और हमारा इसी तरह का बिहेवियर रहा तो मुझे लगता है ये फिर जल्दी आ सकती है, और ये किस तरह से बिहेव करेगी अभी सारे प्रेडिक्शन है, मे बी मोर डेंजरस देन सेकंड वेव, मे बी लेस डेंजरस देन सेकंड वेव, नोबडी नोस, नोबडी नोस, नोबडी नोस। तो ये अभी तो इस तरह का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। जितना कोशिश हो सके आप अपने घरों में रहें, ऑनलाइन जो फैसिलिटी अब हमारे हाथ में है उसका फायदा उठाएं, तभी हम इसको रोक सकते हैं। तो सर जहाँ तक वैक्सीनेशन या टेस्टिंग की बात है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस इन पीपल, वैक्सीनेशन ड्राइव्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, लेकिन हाँ वहाँ तक जाना हमें ही पड़ेगा, वो घर नहीं आएगी। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए हेल्थ पे, एंड यू बीइंग एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट वुड इट विल बी वंडरफुल टू गेट योर कमेंट। मैक्सिमम जो डेथ्स रिपोर्ट भी हुई तो उसमें कुछ कार्डियक अरेस्ट भी थे, कार्डियक केसेस थे,
पोस्ट कोविड भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, जहाँ पे मैं एक पॉइंट कवर करना चाहूँगा या व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, हमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। 16 जनवरी से ये ड्राइव शुरू हुई और फेब तक हमारे ऑलमोस्ट 80% जो हॉस्पिटल वर्कर वर वैक्सीनेटेड। थैंक गॉड फॉर दैट। मैं आई कांट टेल यू कि जो सेकेंड वेव में हमने फाइट कर पाए जी, दिस वाज ऑल बिकॉज वी ऑल वर वैक्सीनेटेड। कमाल। अगर ये हम वैक्सीनेटेड नहीं होते, बिलीव मी, 8 days के अंदर हमें हॉस्पिटल बंद करना पड़ता, क्योंकि हम सभी लोग बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके हो और आप बिल्कुल बीमारी के बीच में। बिल्कुल बीच में हमने सभी लोगों ने काम किया। रादर जो फर्स्ट वेव थी उसमें हमारे काफी सारे स्टाफ को कोविड हुआ, बट टचवुड सेकेंड वेव में लेस एंड लेस नंबर्स ऑफ आवर स्टाफ गॉट इन्फेक्टेड। जो भी इन्फेक्टेड इंक्लूडिंग मी, आई गॉट इन्फेक्शन बट आई नेवर हैड एनी कंट्रोल्ड, आई हैव कंट्रोल्ड इन्फेक्शंस। So this was the impact of vaccine which government of India has started. Second point आपने जो बोला COVID का cardiac effects, so दो चीजें थी। एक तो कि COVID के दौरान initially जब first wave of COVID आई तो थोड़ा सा हमारे अंदर भी डर था कि COVID किस तरह से behave करेगा, और उस वक्त जो heart attack के patients आए, we have tried not to touch them, we have tried to manage them with medicines. So ये जो initial वाले wave में fear था, लेकिन इस बार हमने काफी सीखा जो first wave था। उसके बाद इस वाली wave में जो heart attack के patients मेरे पास आए, उनकी proper जैसे हम angioplasty करते हैं, हमने angioplasty की, कई सारे patients जो severely affected थे COVID से, जिनको साथ साथ heart attack भी था और heart attack भी था, हमारे स्टाफ को हमने काउंसिल किया कि नहीं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं, अगर हम मास्क रखते हैं, पेशेंट्स को कवर करके रखते हैं, पेशेंट भी मास्क पहना हुआ है, तो हम इसकी जान बचा सकते हैं। तो मे बी 50 और मोर एंजियोप्लास्टी ऑन कोविड पेशेंट्स वी हैव। ओह माय गॉड। सो दिस वाज अनदर एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट इज पोस्ट कोविड कार्डियक इश्यूज। जी, जैसा न्यूज में या कई सारी चीजों में लोगों ने बताया कि भाई कोविड पेशेंट्स आर वेरी प्रोन फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशंस, या वैक्सीन के बाद, स्पेशली कोविशील्ड वैक्सीन के बाद लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा हुई। जी, इन माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि शायद सच नहीं है। फ्यू डेज बैक, मे बी 4-5 days back, वन जेंटलमैन हु वाज वन यंग बॉय हु वाज जस्ट 28 इयर्स ओल्ड, and he was having he had Covishield vaccine maybe 4-5 days back. Okay. He had a heart attack, suffered a heart attack and came to me, and he was always trying to tell me that this is all because of COVID vaccine. But again I did his angiogram and showed him that this problem is not because of COVID. You are having problems in other arteries also. अगर ये COVID की वजह से होती तो बाकी जगह आपको blockages क्यों है? इतनी कम एज में, इतनी कम एज में उसकी एंजियोप्लास्टी करना, जेंटलमैन फ्रॉम पलवल। ओके। बट ही वाज हैविंग अदर फैक्टर्स, लाइक ही वाज हैविंग वेरी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, वह ओबीस था। ओके। सो अदर थिंग्स, बट मेरा मानना यह है कि कोविड के बाद या कोविशील्ड वैक्सीन के बाद कार्डियक प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा नहीं है जितना हम लोगों के अंदर फियर पैदा कर दिया गया। और इस फियर की वजह से डेली आई एम सीइंग लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर कमिंग टू मी फॉर सम काइंड ऑफ एंग्शियस रिस्पांस ऑफ पोस्ट कोविड स्टेटस, दे आर हैविंग सम पल्पिटेशन, सम चेस्ट पेन, तो उससे भी घबरा जाते हैं, उससे काफी लोग घबरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, और लोगों को इकोस्प्रिन टेबलेट्स दे आर टेकिंग विदाउट एनी इंडिकेशन। जी जी जी, सेल्फ अदर हां सेल्फ मेडिकेशंस लाइक एंटीकोगुलेंट्स दे आर टेकिंग विदाउट एनी रीजन, दे डोंट नीड इट बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग बिकॉज उन्होंने कहीं पढ़ लिया है कि कोविड के बाद ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस के चांसेस ज्यादा हैं। बट आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू। आप इतना ज्यादा पोस्ट कोविड पीरियड में पैनिक ना करें। रादर मेरे कुछ पेशेंट्स आए थे, मैंने उन्होंने को सलाह दी, भाई आप जॉब पे जाएं अपने, डरे ना। उन फार्मा फील्ड से एक यंग लड़का था हु वाज हैविंग जॉब ऑफ सम मार्केटिंग थिंग्स एंड ही वाज वेरी मच अफ्रेड कि मुझे कुछ हो जाएगा, और मैं और उसकी फैमिली सारी उस पे ही डिपेंड थी।
ओह माय गॉड, डबल प्रॉब्लम थी, जैसा कि आपने हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि नॉट ओनली हेल्थ, सम अदर इश्यूज आर आल्सो मर्जिंग, लाइक इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस, जी जी, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, ऑल दीस इश्यूज आर आल्सो, एंड देन मेंटल फेयर, मेंटल प्रॉब्लम्स, सो अभी काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, जी जी, राइट राइट. मुझे ध्यान है सर ने एक बार जब मीडिया को भी एड्रेस किया था, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु कंप्लेंड ऑफ जस्ट चेस्ट पेन एंड माइल्ड अनइजीनेस एंड नॉजिया, एंड यस, एंड दे केप्ट ऑन इंसिस्टिंग दैट सर मुझे शायद हार्ट प्रॉब्लम है, जी जी, और आपने ये कहा था कि हर इस तरह का अनइजीनेस जो है वो हार्ट प्रॉब्लम नहीं है. So when it comes to the you know the mental fears and a doctor needs to counsel as well as physical challenges bhi dekhne, is there a way to find out ki ye jo uneasiness hai wo kis wajah se ho rahi hai? So testing ke bare mein kuch bataiye sir, agar test se ye pata chal sake. Dekhi sabse important to hai counseling, jaisa aapne ye bola, ji 99% of the patients do well after one or two counseling. Okay. Just to satisfy them that he is not having any problem, simple tests like ECG, echo, stress echo, water monitoring, simple tests are advised. Tests like angiography or CT angiographies are not indicated in most of the patients. Or test bhi hum sirf usko counsel karne ke liye karte hain. Jaise ek patient mere paas aaya, bhai mujhe to sir bahut palpitation ho raha hai, mujhe bahut ghabrahat ho rahi hai. So my simple ki सबसे सभी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप अकेले नहीं हो दुनिया में, सारे कोविड पेशेंट्स मेरे पास जो आ रहे हैं वो पाल्पिटेशन की कंप्लेन कर रहे हैं और उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है. तो ये दिस इज नॉट अनयूजुअल फॉर यू, तो एकदम से वो अच्छा ऐसा हो रहा है कि सारे पेशेंट्स को ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, यस सारे पेशेंट्स आर कमिंग विद दिस प्रॉब्लम, सो आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है. जी. So by listening only this thing, he becomes absolutely calm and quiet. And just to satisfy him, simple tests like ECG has been advised. And after that, we told them that everything is fine. So after he became all right. Right. This is most important, and I would like to repeat what Dr. Jain just said. कि और सर को बार-बार हमें इस चीज़ के लिए disturb करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे तो once you are there in this field, you can't say no. बट दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है आप एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस या जो अनइजीनेस आपको है वो औरों को भी है. सो इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना, हाउएवर इट डज़ नॉट नीड टू यू नो नेसेसरिली थिंक और अज्यूम दैट आपको हार्ट प्रॉब्लम है. एक कुछ माइनर टेस्ट से आप कन्फर्म कर सकते हैं, देन यू कैन बी श्योर दैट दिस इज़ नॉट अ हार्ट डिजीज और अ हार्ट प्रॉब्लम. सर वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी जो केसेस जो पॉजिटिव हुए उनमें इम्पैक्ट कम था, लेकिन फिर भी ऐसा था कि वो कोविड पॉजिटिव थे, इम्पैक्ट कम था. तो ऐसे में सपोज फैमिली का एक मेंबर अफेक्ट होता है, सो इज़ इट सजेस्टेड दैट द रिमेनिंग दो दिस पर्सन यू नो सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड, is it suggested and recommended that the others definitely get an RT-PCR done, or can they just wait for some symptoms to show and not get a test done? क्योंकि लोग अक्सर ना टेस्ट नहीं करवाना चाहते. ऐसा इस बार मैंने काफी देखा कि लोगों ने ये किया कि अगर फैमिली में एक पेशेंट को या किसी मेंबर को कोविड पॉजिटिव आया तो उसके अलावा फैमिली मेंबर सभी लोगों ने मान लिया कि वी आर पॉजिटिव. अच्छा. And they have started treatment of COVID without confirming that they actually have COVID. Oh God. So two points as you told me that जो लोग vaccinated थे, जी, उनको COVID हुआ, और unfortunately उन्होंने इस COVID को अपने family member में transfer कर दिया. जी. Very sad to tell you that few of our doctors had COVID. They have mild symptoms, but unfortunately they transferred this COVID to their elderly. Uh-huh. And a few of our doctors have lost their mother, father, both because of this issue. Oh, so God. This was a very saddening fact that although we were vaccinated, we had mild symptoms, but we have transferred our this thing infections to the family members. To the family, and they suffered a lot. Oh. Many, maybe 3-4 doctors, both of their parents died. Oh, God. Dr. Abhishek, Dr. Karan, a lot of
वैक्सीनेटेड बट दे कुड ट्रांसफर दिस इन्फेक्शन टू अदर पर्सन, टेस्ट कराना तो जरूरी है। हाँ, अब टेस्ट की बात है, आई थिंक टेस्ट कराना जरूरी है। हाँ जी, विदाउट टेस्ट स्टार्टिंग समथिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन जी। एंड टेस्टिंग से एटलीस्ट आप ये मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आप खुद प्रिकॉशंस लेंगे और आप दूसरों को ट्रांसफर नहीं करेंगे जी। जबकि मैंने देखा लोगों ने टेस्ट नहीं कराया और वो घूमते रहे और दूसरों को उन्होंने ट्रांसफर कर, और शायद उनकी बॉडी तैयार नहीं थी तो वो नहीं झेल पाए। हाँ, तो एटलीस्ट आप दूसरों के बारे में भी सोचें जी, कि अगर मुझे हुआ है तो मैं एटलीस्ट लोगों को आगे स्प्रेड ना करूं। बिल्कुल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव जी, दैट अगर आपको हो भी गया तो ट्राई नॉट टू गिव इट टू अदर्स। राइट, दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग टेस्टिंग। राइट, दैट्स द इम्पोर्टेंस। सो हो सकता है आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं भी हैं और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका सोशल सर्कल या आपके ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी उसी तरह की इम्यूनिटी रखते हों। तो प्लीज़ टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम सेल्फ मेडिकेशन, अपनी मर्जी से एंटीकोएगुलेंट्स या थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करने के लिए ब्लड थिनर्स वगैरह मत लीजिए। आई थिंक दीज ड्रग्स शुड बी नॉट अलाउड टू बी सोल्ड। स्पेशली स्टेरॉइड लोगों ने जो शुरू किया जी, उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई जी, और लोगों का मानना है कि जो म्यूकर माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े वो यूज ऑफ स्टेरॉइड, अनजुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड की वजह से बढ़े। हाँ, लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया स्टेरॉइड्स का, व्हिच वाज नॉट इंडिकेटेड। राइट, एंड हमारी जानकारी में ऐसे भी कुछ केसेस है जहाँ पेशेंट के फैमिली मेंबर्स या अटेंडेंट्स ही पुश करते थे डॉक्टर्स को कि आप इंजेक्शन लिखिए जी। Unfortunately, physicians का भी experience था first wave की, this is the wonderful chart. Right. So anyway. Yeah. So along with the patients, the doctors, it's an honest fact that the doctors were also learning and yeah. Yes, judiciously doctors were also using steroid. And they were learning also because sir, it's a learning curve. You know, they have not treated corona. This is not in our books. Exactly. So how come they know that how this behaves? Right. Right. So when it comes to studying the disease and virus, what do you think has been the contribution of data collected, you know, from various hospitals and cities and all, and the importance of research particularly? Obviously, research and data collections is most important. Hamari jo scientific fields hai, usme jab tak hamare paas data nahi honge, hum kuch bhi nahi aage badh sakte. राइट, जो स्टडीज हैं हमारी, जो डे टू डे रैंडमाइज स्टडीज हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वी आर मोर वाइज बिकॉज वी हैव सो मच रोबस्ट डेटा ऑफ एनी डिसीज और एनी पर्टिकुलर ड्रग्स और एनी पर्टिकुलर स्टैंड्स। सिमिलर इज ट्रू इन केस ऑफ कोरोना ऑल्सो। तो अब जैसे जैसे हम लोगों ने देखा है, तो हम वी आर मोर वाइज हाउ दिस वायरस एक्ट, हाउ दिस वायरस प्रोलिफरेट्स, where we can stop proliferating this virus. So daily jo hamare paas, but unfortunately hamara media bahut sari cheezon ko without any filter publish kar deta hai. True. Wo mujhe lagta hai ki it is not correct, especially in the age of pandemic, isse logon ke beech mein misconception, kyunki wohi ek zariya hota hai, wohi unke paas janne ka ek zariya hai ki misconception kafi ho jata hai. तो एक चीज़ ये रुकना चाहिए, डेटा एंड रिसर्च आज गोइंग ऑन, साइंटिस्ट आर आफ्टर दिस वायरस, दे वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ वैक्सीन, द बेस्ट ऑफ ड्रग टू हैंडल दिस सिचुएशन। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्ट्रांगली एग्री विद व्हाट डॉक्टर जैन इज सेइंग दैट इट इज़ द मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट एनी मोड एनी मीडियम, लेकिन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ओनली फोकस एंड पब्लिश एंड पोस्ट रिसर्च बेस्ड ट्रूथ एंड फैक्ट्स instead of just kind of forwarding the information through any medium. So one most important question that I want to ask, this phase, you know, and post the testing, and this is still going on, and aapne kaha ki India itna diverse hai, demographically bhi, age wise bhi, geographies itni alag hai, to ek strain hi hamare naam ho gaya hai, Delta and Delta Plus ka naam jo hai wo India par hi aa gaya hai. So considering all this, what is the main reason? Is immunity the main reason, or is it that we are unaware, still unaware of the seriousness of the disease? I think
immunity may not be the reason in Indian circumstances. Mm-hmm. We were unaware of this fact that this how this virus spread. Mm-hmm. Our cultural habits are not that good. Yes. Health facilities are also not that. Patients are not very health conscious in our society. Mm-hmm. So these are 2-3 reasons why these spreads were so lethal. Okay. I was reading one article in Japan that they don't even touch each other. They meet from a distance of six feet or six, whatever you call it. They try to wear mask in their routine habits. Oh. So that is why they were studying why this country is affecting more and why this country is not affecting more. So Japanese culture hai unka aur jo jis tarah se wo rehte hain that has prevented spread of virus in Japan. Hmm. But mujhe to abhi kuch din pehle hi pata chala ki shayad Japan mein bhi kafi mortality ab ho rahi hai. Mm-hmm. I don't know what is the reason for that. But initial jo first phase thi corona virus ki usme jo Japan aur us tarah ke jo कंट्रीज थी जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग का जहाँ कल्चर नहीं है, जहाँ एक दूसरे से आप गले नहीं मिलते, दूर से बात करते हैं, मास्क पहनना वहाँ कंपलसरी तो नहीं बोलना चाहिए, एक हैबिट है, हैबिट है, हैबिट है, तो उनको एक सेल्फ प्रोटेक्शन मिल गया इस वायरस से. बिल्कुल, तो अगर अब देखते हैं धीरे धीरे इंडिया इज ऑल्सो इवॉल्विंग इन दिस थिंग, बट I don't know. वैसे तो इंडियंस दूर से ही नमस्ते करते हैं, बट व्हाट जो कल्चर था जो दूर से नमस्ते करने वाला, वो भी मुझे लगता है कि इस कभी कोई इस तरह का वायरस फैला होगा कभी, इससे लोगों ने लर्न कर लिया कि भाई हमें आपस में नहीं मिलना है, दूर से नमस्ते, फिजिकलिटी नहीं होनी चाहिए. हां जी, नहीं होना. राइट राइट. व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट. निसंदेह अनडाउटेडली देयर आर पीपल हु हैव आल्सो सेड दैट यूज ऑफ मास्क हैज हेल्प्ड देम control their sinus challenges, their breathing problems, and various other, you know, skin-related diseases, because the only source of pollution was covered. So they were safe from all those things as well. Pratap ji, do we have any question? Yes. Umesh Arora, what are the chances this expected third wave is for children specifically or for everyone? See, Umesh, the problem is that we are vaccinated. People, person from age 18 to 45 and above are vaccinated. Most of the infections we have seen in first and second waves are in this age group. We have saved our children. So this is the most vulnerable age group now. Mm. So if virus is spread, this is the age group which can catch infection. Mm-hmm. This is just a prediction. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि third wave में सिर्फ बच्चों को infection होगा, but चूंकि ये age अभी भी अछूती है इस infection से, तो सबको डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि अब इस age group में infection हो जाए, क्योंकि ये vaccinated नहीं है, इसको बहुत infection इन दो waves में नहीं पहुंचा है, तो third wave में they can be affected, but this is just a prediction. प्रमोद मनोचारी हैं, वो कह रहे हैं कि हाउ प्रिपेयर्ड आर हॉस्पिटल्स नाउ टू एक्सपेंड कैपेसिटी इन केस ऑफ सर्ज इन केसेस. सी, अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग सोचना है. जहाँ तक मेट्रो हॉस्पिटल का सवाल है, हमारी जो नई बिल्डिंग है उसमें हमने 200 बेड ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, ऑल्दो सिंस द सेकेंड वेव हैज गॉन सो दैट इज लाइंग यूजलेस. But in case अगर third wave आती है, तो we are fully prepared to handle more, take more and more patients. And मुझे लगता है इस wave में भी हमने 250 के आसपास patients को रखा. अगर third wave आती है, तो हमारी total capacity corona के patients को लेने की around 500 के आसपास होगी. Oh wow. इनका एक और question है, fecal discharge is also a big source of corona spread. Does only mask or hands hygiene can prevent corona spread in So, but this has not proved truth.
So I think we should keep in mind, we keep our hygiene well, so that you can prevent coronavirus as well as other problems also. जी, वायरस हो या ना हो, मैं भी वैसे भी खुले में शौच, हाँ जी, इस पर तो वैसे ही सरकार काम कर रही थी, तो वायरस हो या ना हो उसे अवॉइड करना ही है। परवेश मलिक जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर कई बार देखने को मिलता है कि जवानों को भी हार्ट अटैक हो जाते हैं और कई बार जो सब कुछ खाते पीते रहते हैं उनको कुछ नहीं होता, क्या मुख्य कारण? जैसा कि सर ने बताया था, पहले बताया, और कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि भाई ये स्मोक करते थे सालों से, इनको कुछ नहीं हुआ और मैं तो कुछ भी नहीं करता, इसलिए पर मुझे हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें हैं जो कंबाइन होकर हार्ट की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। छह मुख्य चीज़ें अगर हम गिनें तो उनमें से शुगर मींस डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अब कौन सा चीज़ किसको हिट करेगी, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जी। बट आप अगर ओवरऑल देखें तो जब हम काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ एक साथ रखते हैं तो चांसेस हमारे कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे हम डायबिटीज़ है हमें, जैसे हम शुगर भी के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी है और स्मोक भी करते हैं और हम मोटे भी हैं, तो हमारे अंदर चार फैक्टर्स ऐसे आ गए जो हार्ट की प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं जी। जहाँ तक ये मानना कि उनके अंदर काफ़ी रिस्क फैक्टर थे, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई और इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो इसको मैं बोलूंगा कि अगर हम डेटाबेस देखा जाए तो अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम रिस्क फैक्टर नहीं है तो 100 में से एक आदमी को ही हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 100 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उनमें से 50 लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से अगर अपन देखा जाए तो यहाँ 100 में से एक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जिसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ 100 में से 50 लोगों को हो रही है। तो फिर आप ये मान के चलना कि अगर किसी पड़ोसी को शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है और स्मोक भी करता है और प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं भी ऐसा बिहेव करूंगा, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। यस, सवाल और कह रहे हैं कि कई बार सुनने में आता है कि दिल में छेद है, ये क्या जन्म से होता है या बाद में भी हो सकता है? देखिए, दिल में छेद जनरली जन्म से होते हैं, हाँ कई बार कंडीशन ऐसी है, रेयर जिसमें हार्ट अटैक के बाद दिल में होल हो सकता है, बट 99.9% जो होल्स होते हैं वो जन्मजात होते हैं। तो कई बार इनका जो प्रेजेंटेशन है, कई बार बचपन से होल होते हैं और हमें पता नहीं चलता, प्रेजेंटेशन अलग अलग एज पे हो सकता है, कई बार 25 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में या कई बार जल्दी में। तो होल्स को अगर माना जाए तो इसको मानना चाहिए कि जन्मजात होते हैं। सचिन गर्ग है, उनका सवाल है कि Can you please guide me that there are many arteries in our body, then why blockage of heart arteries so common? Dr. Sachin Garg, he is the senior medical officer, Ballabgarh. So that is a technical, civil, technical question. Hi Sachin, I'll answer your question. Why coronary arteries, heart ki arteries mein atherosclerosis sabse jyada common hoti? एक तो हार्ट हमारा एक मूविंग स्ट्रक्चर है जिसे कंटिन्यूअसली मूव करना पड़ता है, तो हमारी जो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो थ्योरी थी, इंजरी हाइपोथेसिस, जब वो कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है तो उसकी आर्टरीज में कंटिन्यूअसली टर्बुलेंस पैदा होता रहता है, और ये टर्बुलेंस हार्ट की आर्टरीज के जो लाइनिंग है उसको धीरे धीरे डैमेज कर देता है, और जो डैमेज आर्टरीज एंडोथेलियम है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होकर वहाँ ब्लॉकेज पैदा कर देता है। ऐसा नहीं है कि बाकी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस नॉट कॉमन, किडनी की आर्टरीज में, ब्रेन की आर्टरीज में, लेग की आर्टरीज में भी ब्लॉकेज कॉमन है, बट चूंकि इनकी आर्टरीज का साइज हार्ट की आर्टरीज से ज़्यादा होता है तो उसका प्रेजेंटेशन कई बार बहुत डिलेड या सब ऑप्टिमल होता है, या शायद पता ही नहीं, या पता ही नहीं चलता जी। इनका एक मैसेज भी आपके लिए, वो कह रहे कि हेलो सर, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट यू आर अ वंडरफुल डॉक्टर एंड ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। यस, एज आई सेड कि जैसे ही हमने मैसेज सर्कुलेट किया था, वी डिड गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैंने आज जो भी सवाल आपसे पूछे वो पब्लिक के ही आए हुए थे, एंड देयर आर डॉक्टर सचिन ही नहीं, न्यूमरस डॉक्टर्स हैव सेंट मैसेजेस दैट यू आर अ ग्रेट कार्डियोलॉजिस्ट एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड नॉट जस्ट एज अ डॉक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग। आर वी डन? ओके, मिस्टर कॉमर्स
कौशल में ये कह रहे कि विलेजेस में केसेस बहुत कम आए, तो ऐसा क्यों, क्या वहाँ प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही? ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछना ज़्यादा लाजमी रहेगा, बट जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है इस बार विलेजेस में भी काफ़ी केसेस है, उन्होंने टेस्टिंग ऑब्वियसली नहीं कराई, बहुत देर से आए थे, जितना एग्रेसिवली यहाँ टेस्टिंग हुई जी, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार विलेजेस में भी काफ़ी केसेस थे, डेथ भी वहाँ काफ़ी हुए, अननोटिस डेथ हुई। ओके, डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता है, उनका सवाल है palpitations, anxiety and high BP seen as post-COVID complication, how to take care? Sir, obviously, Dr. Sir, you are right. All these complaints like anxiety, palpitations are very high, blood pressures are very common. Very important factor is post-COVID stress. देखिए stress COVID का भी है, stress इस चीज़ का भी है कि हम खाली बैठे हैं, स्ट्रेस इकोनॉमी का भी है, स्ट्रेस इस चीज का भी है कि हम हमारे जॉब्स चले गए। तो मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट जो इंजीनियर्स हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे थे या नेशनल कंपनीज में काम कर रहे थे, कोविड के बाद दे आर डूइंग वेरी बैड, उनकी जॉब चली गई, उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है जी। तो द बेस्ट पार्ट इज फैमिली सपोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं मानूंगा कि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। डॉक्टर्स, एज ए डॉक्टर मैं आई कैन काउंसिल यू फॉर वन टाइम और टू टाइम और थ्री टाइम्स, बट इट इज़ द फैमिली मेम्बर हु हैज़ टू सपोर्ट हिम डे एंड नाइट दैट यू आर नॉट हैविंग एनी सीरियस इशू, स्टार्ट योर जॉब, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, स्टार्ट टेकिंग प्रॉपर फूड्स, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन इन अ फ्यू डेज। मिस्टर मनोचा है, उनका सवाल है कि पोस्ट कोविड स्मोकिंग मोर डेंजरस और सिमिलर इम्पैक्ट? जितना कोविड से पहले स्मोक करते थे उतना ही बाद में भी कर सकते हैं। Unfortunate to hear that news that smoking can prevent COVID. Some newspaper has also published this article. जो स्मोकर हैं उनमें कोविड होने के चांसेस कम है, बट अल्टीमेटली इट हैज प्रूव्ड रॉन्ग, स्मोकिंग इज वेरी बैड, कोविड के लिए हो या पोस्ट कोविड के लिए हो या कार्डियक इश्यूज के लिए हो, स्मोकिंग इज वन फैक्टर जिसकी वजह से रूरल एरिया में बहुत सारे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैंसर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आई थिंक स्मोकिंग कैन नॉट बी प्रमोटेड है। यहाँ गौरव भारद्वाज है, ये कह रहे हैं कि व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स ऑफ मेट्रो हॉस्पिटल फॉर फरीदाबाद? वो तो सर ने शेयर कर ही दिया। आई हैव आल्सो एक्सप्लेनड दैट We have started doing some work on this COVID situation. Unfortunately, we were little late. कि हमारे beds तैयार होने में थोड़ा सा time लग गया, but we were fortunate that we have built this facility. In case अगर हम नहीं चाहते कि third wave आए, जी जी, but in case अगर third wave आती है, जी, तो we are fully prepared for with more beds, with more oxygen beds, with more ICU care facilities. देखिए कोई हॉस्पिटल नहीं चाहता है कि उनके बेड्स भरें, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, बट रेस्ट अश्योर्ड दैट आर हॉस्पिटल्स, आर सिटी इज यू नो कम्प्लीटली रेडी एंड प्रिपेयर्ड विद द राइट काइंड ऑफ फैसिलिटीज। सो माय फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे सर, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स व्हिच हैज इंक्रीज्ड वे बियॉन्ड इट्स लिमिट, और पैंडेमिक से पहले तो होता ही था, पैंडेमिक में भी बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आए, तो उसको आपने, भगवान ना करे, पर क्या आपके हॉस्पिटल को या आपको भी उसे फेस करना पड़ा, और आगे आप इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? सी, मैं देखता हूँ कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, हमारे अंदर का जो फेथ है डॉक्टर्स के ऊपर वो धीरे धीरे शायद कम हो गया। लास्ट डे आई वॉज डूइंग मैन इंटरव्यू जिसमें मैं बोलता था, वो बार बार मुझे ये बात कर रहा था कि भाई डॉक्टर्स को लोग भगवान समझते हैं, तो मैं उसको मना करता था बार बार, भाई ऐसा मत बोलो जी, डॉक्टर्स भगवान नहीं, डॉक्टर्स इज फ्रॉम योर सोसाइटी, जैसे आप भी डॉक्टर हो सकते थे ना, अगर आप उस लाइन में जाते तो आप भी डॉक्टर्स हो सकते थे, तो डॉक्टर्स एक अलग से कोई ऊपर से आया हुआ भगवान नहीं है, डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसकी ये ड्यूटी है कि विथ हिज एक्सपीरियंस विथ हिज नॉलेज ही शुड ट्रीट पेशेंट्स, ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियसली आप
कितनी भी बड़ी नॉलेज हो और कितना भी एक्सपीरियंस हो, छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। हालांकि कोई भी डॉक्टर इस तरह से जानबूझ के कभी भी इस तरह की गलती नहीं करता। तो ये वॉयलेंस क्यों? आप एक तो आपने डॉक्टर्स को एक भगवान का दर्जा दे दिया जो बिल्कुल गलत था जी। डॉक्टर्स को एक आम आदमी मानना चाहिए, हाँ, लेकिन वो उसको उसकी ये ड्यूटीज हैं डॉक्टर्स की, वो मरीज की के लिए जो भी संभव कोशिश हो सके उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसकी पेन को दूर करने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए तो वो करता है, जो मैं मानता हूँ कि सारे डॉक्टर्स करते हैं। बिल्कुल। दूसरा वॉयलेंस में एक और इश्यू आ गया कि थोड़ा सा हेल्थ का कमर्शलाइजेशन भी हो गया जी। जो हेल्थ आप देखें कि आप 20 साल पहले की बात सोचें कि अगर हमें किसी हेल्थ हमें हार्ट की सपोजली हमें हार्ट अटैक हो गया और हमें हार्ट का ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो उस तरह की फैसिलिटीज उस जमाने में नहीं हुआ करती थी जो बहुत कॉस्टली होती जी। तो सिंपल मेडिसिन से या जो भी ड्रग्स अवेलेबल हुआ करती थी, डॉक्टर्स उनका इलाज करते थे, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा नहीं था जी। चूँकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है तो उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है जाहिर। तो वो जो कॉस्ट फैक्टर भी लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई डॉक्टर्स लूटते हैं या पैसा कमाते हैं, तो ऐसा सच नहीं है। बिकॉज इस जो कॉस्ट आप देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या कैथलेव या स्टैंड, ऑल दे हैव सम कॉस्ट, तो विच हैज टू बी पेड बाई ऑब्वियसली बाई पेशेंट। तो ये जो दो तीन कंफ्यूजन लोगों के बीच में आ गए, उसकी वजह से ये वॉयलेंस बढ़ गया। इसमें पब्लिक का भी दोष नहीं, थोड़ा सा ये जो मिसकम्युनिकेशन या जो जो लोगों के बीच में जो फैमिली डॉक्टर्स जैसे हुआ करते थे, अब इम्पोर्टेंट इशू ये भी जो फैमिली डॉक्टर्स हुआ करते थे जिनके ऊपर फेथ था, वो जो फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट ही हमारे अंदर से धीरे धीरे चला गया, बिल्कुल चला गया था। और उस जब अगर मान लीजिए मेरे पास एक फैमिली डॉक्टर है, किसी पेशेंट का कोई फैमिली डॉक्टर है और उसने इस पेशेंट को यहाँ भेजा है मेरे पास, तो अगर उस पेशेंट को मैं समझाऊंगा तो मैं शायद वो मेरी बात ना समझ पाए, तो मैं उस पेशेंट के फैमिली डॉक्टर से बात करूंगा और उससे वो कन्विंस हो जाएंगे जी, क्योंकि तो उनको उसके ऊपर फेथ है। तो ये जो तीन चार चीजें हुई हेल्थ इंडस्ट्री में, फैमिली डॉक्टर्स खत्म हो गए, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ गया, उससे वॉयलेंस बढ़ गया। बट इन एनी हाउ आई कैनॉट से कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर हैज टू बी स्टॉप्ड बाय मींस ऑफ फोर्स, बाय मींस ऑफ लॉ, एनी हाउ इट हैज टू बी, इट हैज टू बी, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज नॉट जस्टिफाइड। ही इज एब्सोल्युटली राइट एंड वी हैव ऑब्जर्वड इन द लास्ट वन वीक व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग द डॉक्टर्स वीक दैट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, फिर जिसको आपने भगवान का दर्जा दे दिया तो फिर आप भगवान के ऊपर ही हमला भी करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। एंड येस, लैक ऑफ फेथ, इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू कम टू अ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, देन यू माइट एज वेल कम विद फेथ, एल्स प्लीज सिट एट होम एंड डोंट ट्रबल एंड डोंट डिस्टर्ब देयर लाइव्स। आई विल टेक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन प्रताप जी, हाँ जी बताइए। बहुत ही गलत है, रादर मैं कहूंगा कि कई सारे हमारे जो इलाइट इलाइट के किस्म के लोग हैं वो यहाँ आके बोलते हैं कि सर आपके पास तो रूरल के बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूरल तो इज ऑलवेज वेलकम, पेशेंट पेशेंट है, वेदर इज फ्रॉम द रूरल कम्युनिटी और फ्रॉम द सेक्टर और एनीवेयर एल्स, ऑल पेशेंट्स आर वेलकम, रादर सारे तरह के पेशेंट्स को हम लेते हैं। राइट, उसमें हाँ जी थर्ड वेव के बारे में डॉक्टर साहब ने काफ़ी जानकारी दे दी है और उन्होंने बताया दैट वी आर प्रिपेयर्ड विद द राइट काइंड ऑफ फैसिलिटीज। थर्ड वेव तभी वेव के तौर पे आएगी अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या वैक्सीनेशन नहीं अपनाते, और अगर आपको कहीं भी अपने शरीर में ज़रा से भी ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो प्लीज़ इट्स ऑलवेज गुड टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड, बजाय इसके कि हम अजम्पशन में बैठे रहें कि सिम्टम्स नज़र आएंगे और फिर हम और यही मैं प्रद्युमन जी की बात पे भी कहना चाहूँगी, ऐसे कई सारे मीडिया में थी न्यूज़ दैट द डॉक्टर्स हैव रिफ्यूज्ड, देयर वाज अ वर्ड ऑफ माउथ दैट दे यू नो द गुड हॉस्पिटल्स आर नॉट टेकिंग, बट उसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है, वो इसीलिए कि पहली बात तो लोग केस ख़राब करके ही रूरल केसेस जितने भी हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए वो बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच कर ही आए थे। यस, दे केम लेट,
And then the second reason was against, there was violence against doctors because they have lack of awareness. So उनके पास awareness नहीं होती, उनको पूरी जानकारी नहीं होती, और इसी कारण क्योंकि उनको लगता है कि cost तो इतना है और जान नहीं बचा पाए जी. तो आपके पैसा खर्च करने से जान बचाने का कोई संबंध नहीं है. These treatments are expensive because they cost this much. The infrastructure, the machinery costs that much. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना पैसा खर्च करने के बाद भी एक डॉक्टर, क्योंकि वो भी एक इंसान है जिसमें हमसे ज़्यादा काबिलियत है, वो भगवान नहीं है. तो वो आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं. कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके किसी भी पेशेंट को जान से हाथ धोना पड़े. दिस इज़ अ फैक्ट. एंड जितनी जल्दी हम अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर लें उतना ही बेहतर, बिकॉज कल को अगर हमारे देश में डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, एक और डॉक्टर ने भी कहा था दैट पीपल अवॉइड कमिंग इनटू दिस फील्ड नाउ, बिकॉज अगर इतनी मेहनत करके इतनी मेहनत करके अगर उन्होंने फिर ये सब मार ही खानी, देन वाई शुड दे स्टे इन दिस कंट्री एंड वाई नॉट अदर नेशंस वेयर दे आर गिवन सो मच रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे सर. थैंक यू सो मच फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन. आपने बहुत सिंपल तरीके से बहुत सी चीज़ों को क्लियर किया है और हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इससे मदद मिली होगी. हम कल फिर आपके सामने 4 बजे उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी जानकार व्यक्ति को लेके जो हमारे डाउट्स क्लियर करें और हमें मोटिवेट करें कि इस टफ टाइम को कैसे हैंडल करना है. वी वंस अगेन थैंक डॉक्टर नीरज जैन एंड कंटिन्यू वॉचिंग आर पेज विद फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच.